नमस्कार दोस्तों, हक एंड क्रेज सॉफ्ट टेक की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्विच स्टेटमेंट क्या है। अगर आप नहीं जानते स्विच स्टेटमेंट क्या है तो आप हमारी इसके लिए प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट समझना बहुत आसान है। जिस तरह से हमारा नेस्टेड इफ एल्स था, उसी तरह से हमारा ये नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट है। तो अगर हम एक स्विच स्टेटमेंट के एक केस के अंदर दोबारा से दूसरा स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कहलाता है। और इसके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका सिंटेक्स रिप्रेजेंट करता हूँ, जिससे आपको समझ आए क्या है। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच सी एच वन, यानी कि एक एक्सप्रेशन दे दिया है जिसका नाम है सी एच वन, और इसमें हमारा केस ए है, ठीक है। तो जो केस ए है उसके अंदर मैंने प्रिंट कराया है दिस इज ए पार्ट ऑफ आउटर स्विच, यानी कि बाहर वाला स्विच का पार्ट है, और उसके अंदर ही मैंने एक और स्विच लगाया है जिसको मैंने एक्सप्रेशन दिया है सी एच टू। और यहाँ पर जो केस ए है उसमें मैंने प्रिंट करा दिया है दिस इज अ पार्ट ऑफ इनर स्विच, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। इस तरह से मैं इसे यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस दे सकता हूँ। और जो आउटर स्विच था हमारा, यानी कि सी एच वन जिसका एक्सप्रेशन था, उसका ये केस भी है। तो शायद आपको सिंटेक्स थोड़ा कम समझ आया हो। सो फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आई विल शो यू आई एग्जांपल प्रोग्राम, जिससे कि आपको ये नेस्टेड स्विच एकदम अच्छे से क्लियर हो सके किस तरह से स्विच काम कर रहे हैं, किस तरह से इसका आउटर स्विच और इनर स्विच काम करते हैं। ये सभी के सभी मैं आपको इस प्रोग्राम एग्जाम्पल में क्लियर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। सो गाइस, टर्बो C++ मैंने ऑन कर लिया है, और सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कराऊंगा, उसके बाद मेन फंक्शन लगाऊंगा, कुछ लोकल वेरिएबल्स लूंगा, और उसके बाद स्विच एक्सप्रेशन का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ वो तो बेसिकली कंसेप्ट के क्लियर कराने के लिए बता रहा हूँ, और जो भी हमारी जो प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल्स होंगे, प्रैक्टिकली प्रोग्राम एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच में। तो हम यहाँ पर समझते हैं इसका कंसेप्ट। तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लगा लिया है, और उसके बाद इंटीजर ए और इंटीजर बी नाम से दो वेरिएबल ले लिए हैं जिनकी वैल्यू मैंने 100 और 200 असाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्लियर स्कैन लगा दिया है और स्विच लगा दिया। तो स्विच सबसे पहले मैंने ए लगाया है, और उसके अंदर मैंने केस दे दिया है 100। सो यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आउटर स्विच, क्लियर। अब इसके बाद मैंने क्या करा है, इसके बाद मैंने नया स्विच लगा दिया है, वो भी इसी पहले वाले स्विच के अंदर, और वहाँ पर मैंने क्या किया है, स्विच में दे दिया है एक्सप्रेशन 200, और इसके अंदर प्रिंट करा दिया दिस इज अ पार्ट ऑफ इनर स्विच, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने एक और प्रिंट लगाया है, प्रिंट एफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज ये एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज दिस, ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने गेट सी एच अप्लाई कर दिया है, और इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। कंपाइल किया, कोई गलती नहीं। अब इस प्रोग्राम को जल्दी से रन करते हैं, और रन करने पर देखिए इसका आउटपुट इस तरह से दिखा रहा है दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटर स्विच, दिस द पार्ट ऑफ इनर स्विच, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज 200। तो किस तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले पहला वाला स्विच चला जो कि हमारा आउटर स्विच है, उसमें प्रिंट करा दिया हमने आउटर स्विच के लिए, और फिर इनर स्विच चला उसमें हमने प्रिंट करा दिया इनर स्विच के लिए, और दोनों वैल्यूज प्रिंट कराई। तो ये था एक बेस्ट एग्जांपल जो कि आपके आउटर और इनर स्विच के केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको क्लियरेंस दे रहा है कि किस तरह से आउटर स्विच और इनर स्विच वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये आउटर स्विच और इनर स्विच का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो कि नेस्टेड स्विच कहलाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को हिट लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो का।
और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में या अदर वीडियोस में, और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर के, तो आपको मैंने एक लिंक दिया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के थ्रू लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा जॉन, हकीन क्रेज सॉफ्ट टेक की ओर से। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।